हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आधी रात को दीपिका कर रही हैं शाहरुख को याद, है ना थोड़ा सा सरप्राइजिंग कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दीपिका को आधी रात को शाहरुख को याद करना पड़ गया, जबकि दोनों ना तो साथ कोई फिल्म कर रहे हैं ना ही कोई प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं। फिर क्यों दीपिका ने शाहरुख को किया मिस, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज ग्रिल, मैं हूँ आपके साथ मेघा। एंटरटेनमेंट की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आधी रात को दीपिका को याद आए शाहरुख, रणवीर नहीं एसआरके से बात करने को परेशान दीपिका, क्यों कर रही है दीपिका एसआरके को मिस। शाहरुख दीपिका इन दिनों कोई भी फिल्म साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि शाहरुख खान तो इन दिनों फिल्मों से एक लंबी दूरी बनाए हुए हैं। उनकी कोई भी फिल्म पिछले साल रिलीज नहीं हुई और ना ही वो अभी किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन दिनों वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दिन पहले शाहरुख ने अपने घर की लाइब्रेरी भी साफ की। लेकिन जैसे ही उनकी को स्टार रही दीपिका पादुकोण को ये बात पता चली कि शाहरुख कहीं बिजी हैं, तो उन्होंने आधी रात को शाहरुख को कर दिया मैसेज। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके बाल काफी बिखरे नजर आ रहे हैं। अपनी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पर कैप्शन में शाहरुख ने लिखा, पूरी रात लगा रहा, अपनी लाइब्रेरी साफ की, किताबों की गंध, धूल और खुशियों से थोड़ा सना हूँ। शाहरुख के इस दिलचस्प फोटो पर यूं तो कई फैंस ने कमेंट किए, लेकिन दीपिका ने शाहरुख का ये ट्वीट रीट्वीट किया और लिखा, हेलो तुम मुझे फोन करने वाले थे। दीपिका ने शाहरुख खान को ये ट्वीट रात को 1:20 पर किया। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की बॉलीवुड में एंट्री शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम से ही हुई थी। इसके बाद ये जोड़ी चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। इन दिनों दोनों ही फिल्मों से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। जहां शाहरुख खान पिछले एक साल से फिल्मों से दूर हैं, तो वहीं दीपिका भी चुनिंदा प्रोजेक्ट्स ही कर रही हैं। वैसे दीपिका पादुकोण जल्द ही मेघना गुलजार की फिल्म छपाक में नजर आने वाली है। इसके अलावा वो रणवीर सिंह की 83 में उनकी पत्नी बनकर नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। शाहरुख अपनी हर को स्टार के साथ काफी क्लोज हैं और शाहरुख दीपिका तो काफी हिट फिल्म में साथ दे चुके हैं, तभी तो दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड है। ऐसे में दीपिका का शाहरुख को आधी रात में मैसेज करके ये याद दिलाना तो बनता ही है कि वो अपने काम के साथ साथ दीपिका को भी कॉल करने वाले थे। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।